आने वाली हिंदी फिल्म दो पल प्यार के हीरो मुकेश भारती, प्रोड्यूसर मंजू भारती और डायरेक्टर पार्थो घोष बोरीवली में आयोजित प्रीति पिंकी डांडिया में अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। जी हाँ, डांडिया के ऑर्गेनाइजर विपुल भाई शाह ने इस पूरी यूनिट का जोरदार स्वागत किया। साथ ही सबने मिलकर माता जी के दर्शन किए और डांडिया खेलने वाले के साथ ठुमके लगाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अल्ताफ की खास रिपोर्ट। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से इन सब भक्तों के लिए, और यहाँ पर हम बहुत खुश हैं कि माता जी के जो है नवरात्रि में हमें ये मौका मिला, और माता जी से बस यही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारी आने वाली जो फिल्म है दो पल प्यार के, जो कि बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है, और उसमें बहुत अच्छा जो है एक कर्तव्य दिखाने का मौका मिला है हमें, और इसमें जो है म्यूज़िक बहुत अच्छा है हमारे पिक्चर में, और मैं माता जी से जो है एक दुआएं मांगूंगा कि आने वाली नवरात्रि पे हमारा गाना जो है यहाँ पर डांडिया में बजे, और इससे बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छा है कि लोगों को जो है नवरात्रि में हमारा गाना बजेगा और लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं विपुल शाह, उनको बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि हर साल वो यहाँ पर नवरात्रि पर डालते हैं, और हर जगह के लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं, और हमें मौका दिया जाता है यहाँ पर आने का। इससे पहले भी हमारी एक फिल्म थी कास्तुम होते, तो हमें मौका दिया, और माता रानी की कृपा से आज दूसरी पिक्चर हमारी दो पल प्यार के जो यहाँ पर आने का मौका, और हमारी माता रानी की कृपा से दूसरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। डेफिनेटली बहुत इंजॉय किया है, और बहुत सारे भक्तजन हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, एंड आई विश देम कि माता रानी सबकी विशेष पूरी करे, और इसी तरह से भक्ति में डांस करते रहे, और हमारी फिल्म दो पल प्यार के बहुत ही जल्द रिलीज के लिए रेडी है। सो आई विश कि आप सबकी विशेष और माता रानी की विशेष से हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रिलीज होगा। डेफिनेटली इतनी अच्छी म्यूजिक है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की है और बहुत मज़ा आया, बहुत डांस किया हमने यहाँ पर, और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर इतना डांस किया, तो हमने कभी भी इतना डांस नहीं किया नवरात्रि के जो गरबा, हमने सोचा भी नहीं था कि मुझे गरबा और बात तो आता नहीं है, बट इस तरीके से जो प्रीति पिंकी का जो गरबा है यहाँ पर पैर रुकता ही नहीं है, यहाँ पर बहुत कोशिश करी कि डांस ना करें हम लोग, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी अपकमिंग फिल्म दो पल प्यार के बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, और दे रियली दे हैव इंजॉय, बिकॉज एक एंटरटेनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, तो बस उनको मज़ा आएगा, तो डेफिनेटली दे फील गुड। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें जो है आशीर्वाद दें कि हमारे आने वाली फिल्म दो पल प्यार के जो है लोगों को पसंद आए और अच्छी चले, और हर एक्टर चाहता है कि उसकी पिक्चर जो है सुपर डुपर हिट हो जाए। बस मैं दर्शकों से भी और माता जी से भी यही दुआएं मांगूंगा कि हमारी पिक्चर जो है हिट हो जाए और लोगों को पसंद आए, क्योंकि हमारे जो पिक्चर का जो म्यूज़िक है बप्पी लहरी का है, और हर गाना बप्पी लहरी का जो है सुपर डुपर हिट हुआ है, ये इस पिक्चर में भी बप्पी लहरी ने बहुत अच्छे गाने दिए हैं और लोगों को जो है बहुत पसंद आ रहे हैं। म्यूजिक बहुत अच्छा है, और फिल्म के डायरेक्टर हमारे पार्थो दा हैं, तो दादा इज अमेजिंग पर्सन, और हमारे साथ ही हैं दादा, तो वी फील ब्लेस के हम लोग सेफ हैं। तो प्रमोशन के लिए हम लोग नहीं आए, आए इतना खुशी देखने के लिए, और माँ के लिए इतना खुशी हो के लोग डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये मिलने के लिए आए, और जो ये ऑर्गेनाइज़र है ये फ्रेंड्स है,
विपुल शाह जो दोस्त है तो उनको बुलाने के लिए आए। प्रमोशन का भी बाकी है, शुरू होने वाले दो पल प्यार के जो पिक्चर हमने बनाया उसका प्रमोशन के लिए नहीं आए हम, इन लोग को देखने के लिए। क्या खुशी, क्या उमंग है और क्या मैंने इतने देर तक इतना खुशी से ये लोग डांस कर रहे हैं, ये देख के खुश हो रहा हूँ। इतना इंजॉय किया आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहना यही बोलेंगे जी, आप जो फिल्म बनाए वो सक्सेस हो, लोगों को पसंद आए बस, और हम हमारे यही मांगना है और तो कुछ मांगना है। हम तो दादा इनका जो गरबा में जो लाखों लोग आए दर्शक उनको देख के हमें बड़ी खुशी मिली है, वो खुशी। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हमारे विपुल शाह हमारे साथ हैं, वो विपुल जी आज आपके यहाँ पे फिल्म की पूरी टीम आई है, काफी इंजॉय किए इन्होंने, काफी तारीफ भी कर रहे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर साल आते हैं और ये टाइम इनकी पिक्चर आ रही है, काफ़ी टाइम बाद दादा की पिक्चर आ रही है, मेरे दोस्त गैश और मंजू की दो पल प्यार के पिक्चर हिट हो जाए शुभकामनाएं देता हूं। और हर साल इसी तरह से नवरात्रि में आते रहे, हमारा जुस्सा बढ़ाते रहे। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इतना बड़ा ये गरबा यहाँ पर अरेंज करते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो माता रानी से ये दुआ मांगूंगा कि हर साल इसी तरीके से ये लोग करते रहें और हमें इनवाइट करते रहें, क्योंकि इस बार भी इन्होंने इनवाइट किया और इनका आशीर्वाद मिलता रहता है और आने वाली जो पिक्चरें हैं उसमें भी इनका आशीर्वाद रहेगा। आशीर्वाद मेरा तो है ही उनके साथ, माँ का भी आशीर्वाद है इनकी और दादा की, ये पिक्चर सुपर हिट हो जाए और जो नई पिक्चर का हमने मुहूर्त किया है वो पिक्चर भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए। अभी नई पिक्चर का एक मुहूर्त किया है हम लोगों ने, जो पिक्चर का नाम है प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, तो अभी हम लोग उसकी शूटिंग पे जा रहे हैं। बस माता रानी से ये दुआएं मांगना है और आप लोग भी हमें दुआएं दीजिए, बहुत अच्छी शूट हो जाए और जल्द से जल्द शूट होके आ जाए और आने वाली पिक्चर जो है हमारी दो पल प्यार के बहुत जल्दी रिलीज हो रही है, आप लोग देखना आपको बहुत अच्छी लगेगी। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने ये सारा नज़ारा जो है दिखाया, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हमारे विपुल शाह जी ने जो यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, मैं इनको जो है फिर से थैंक्स बोलूँगा कि इतने बड़ी संख्या में जो है गरबा अरेंज करना कोई खाने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे आपके लिए। आपकी तारीफ में तारीफ की जा रही है, मेरी तो तारीफ ये है नहीं, माता रानी की तारीफ है, माता रानी की वजह से ये सब हो रहा है। पर आज पार्थ दादा आए हैं और मुकेश और मंजू दोनों आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनकी पिक्चर के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पिक्चर बहुत हिट जाए, ये फिल्म बहुत हिट हो जाएगी, अगली फिल्म के लिए अगले साल फिर से इनको न्योता दे रहे कि नहीं? वो तो हर साल उनकी कोई ना कोई फिल्म आएगी और वो हर साल नवरात्रि में आते रहे, एडवांस में न्योता देते हैं एडवांस में जो है वो बोल देते हैं। और इस बार तो हम अपने डायरेक्टर पार्थो घोष जी के साथ आए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने जो है इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, दलाल, 100 डेज, अग्नि साक्षी, और मैंने इनके अंडर में काम करके मेरे लिए बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो आपके साथ काम करने का मौका मिला। बस मैं क्या कहूँगा, दादा है और ये तो अच्छे टैलेंटेड स्टार है, लोगों ने अभी तक पूरी तरह से कदर नहीं की है पर अब कदर करेंगे, ये फिल्म उनकी बहुत अच्छी बनी है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। बहुत जल्दी जो है एक एक्शन मूवी आ रही है हमारी, जो कि सारे एक्शन हीरो की हो, सारे एक्शन हीरो के जो हैं सारे होश उड़ जाएंगे और देखने वाले बहुत खुश हो जाएंगे। एंट्री कब कर रहे हैं आप? जो सबसे बड़ा एक्शन मूवमेंट्स रहेगा वो आपका ही रहेगा। सबसे बड़ा एक्शन